बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था उसका ये लास्ट पोर्शन थोड़ा सा रह गया था, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो लास्ट चैप्टर का रिमेनिंग हिस्सा है इसके अंदर हम जो CPI है हमने देखा था कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के दो तरीके हैं, दो तरीकों से हम इन्फ्लेशन को देख लेते हैं। एक GDP डिफ्लेटर के थ्रू देखते हैं और दूसरा CPI के थ्रू देखते हैं। बाद हम इस लेक्चर में देखेंगे कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। आज सबसे पहले है कि रीज़न वाइज CPI में आवर सीट इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन जो है वो अगर हम CPI की मदद से चेक कर रहे हैं तो उसमें क्या ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें सही इन्फ्लेशन का अंदाज़ा नहीं हो सकता। उसमें सबसे पहले है कि सब्स्टिट्यूशन बाइस, द CPI यूज्ड फिक्स्ड वेट सो इट कैन नॉट रिफ्लेक्ट कंज्यूमर एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट टुवर्ड गुड्स हुज रिलेटिव प्राइसेस है फॉरन। अब बेसिकली होता ये है कि जो CPI होता है बेसिकली क्या है कि एक बास्केट ऑफ गुड्स है जिसके अंदर आप जो चीज़ें ले रहे होते हैं वो फिक्स होती हैं, उनमें कभी भी चेंज नहीं आता, वो फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स है। वो 3000 है या 5000 बास्केट ऑफ गुड्स जो होती है वो आपके पास हमेशा से सेम चलती आ रही है, उसमें कभी भी चेंज नहीं होता। तो इस वजह से अगर उसकी कोई अल्टरनेटिव कोई चीज़ है, अगर उसकी प्राइस कम भी हो जाती है तो उसका इफेक्ट इन्फ्लेशन में नज़र नहीं आता। कोई किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, उसकी प्राइस कम हो गई है तो वो तो कंज्यूमर के लिए बेनिफिट होता है और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होती है वो इस हिसाब से कम भी हो जाती है। लेकिन चूंकि CPI के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स शामिल की जाती है, उसके अलावा अगर किसी दूसरी चीज़ की जो प्राइस है वो कम भी होती है तो उसके यहाँ पर इफेक्ट नहीं आता। तो इसलिए CPI का सब्स्टिट्यूशन बाइस है कि ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों का इफेक्ट बता रहा होता है जो इस बास्केट ऑफ गुड्स के अंदर शामिल होती हैं। अगर उस चीज़ का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसकी वजह से इसमें कोई इफेक्ट फिर नज़र नहीं आ रहा होता। फिर दूसरा ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स मेक्स कंज्यूमर बेटर ऑफ एंड इफेक्ट इंक्रीज द रियल वैल्यू ऑफ डॉलर बट इट डज नॉट रिड्यूस द CPI बिकॉज द CPI यूज फिक्स वेट। जैसे कि पहले भी बताया कि CPI के अंदर चूंकि फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स होती है, अगर कोई नई चीज़ मार्केट में आ भी गई है तो उसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो हो सकता है सस्ती हो। लेकिन चूंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर हम फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स ले रहे होते हैं तो इसलिए अगर कोई नई चीज़ मार्केट में आ भी रही है और जो कि कंज्यूमर के लिए फ़ायदे वाली चीज़ है, तो चूँकि हमने इस बास्केट ऑफ गुड्स को फिक्स रखा हुआ होता है तो इसलिए अगर कोई चीज़ नई मार्केट में आती भी है और वो एक कंज्यूमर के लिए वेलफेयर के लिए काम कर भी रही है तो उस चीज़ का इफेक्ट कंज्यूमर इंडेक्स प्राइस इंडेक्स में नज़र नहीं आता। थर्ड है अनमेजर्ड चेंजेस इन क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द डॉलर बट आर ऑफन नॉट फुली मेजर्ड। जैसे कि क्वालिटी को हम अक्सर प्रेफर नहीं कर रहे होते तो ये बेसिकली तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बेस पर हम ये कहते हैं कि जो CPI है उससे हमें इन्फ्लेशन का सही अंदाज़ा नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है CPI वर्सेज GDP डिफ्लेटर, के CPI में यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और GDP डिफ्लेटर जो कि दोनों मेजर हैं इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए, इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस आता है प्राइसेस ऑफ कैपिटल गुड्स की बेस पर। जब हम बात करते हैं GDP डिफ्लेटर की तो इसके अंदर कैपिटल गुड्स की जो प्राइसेस होती हैं वो शामिल होती हैं, जबकि CPI के अंदर कैपिटल गुड्स की प्राइसेस शामिल नहीं होती। चूँकि जो CPI है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो उसमें जो कंज्यूमर के इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं वो शामिल की जाती हैं, कैपिटल गुड्स उसके अंदर शामिल नहीं की जाती, जबकि GDP डिफ्लेटर के अंदर कैपिटल गुड्स की प्राइसेस को ऐड किया जाता है। तो ये पहला डिफरेंस है कि GDP डिफ्लेटर के अंदर कैपिटल गुड्स की प्राइसेस ऐड होती हैं जबकि CPI के अंदर कैपिटल गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो हम शामिल नहीं करते। दूसरा डिफरेंस ये है कि प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेड कंज्यूमर गुड्स, अब कंज्यूमर गुड चाहे वो आपके कंट्री के अंदर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुई है चाहे वो फॉरेन से इंपोर्ट होके आई थी, तो उसकी जो प्राइस का इफेक्ट होता है वो आपके CPI के अंदर रिफ्लेक्ट करता है, वो वहाँ पे शो होता है। लेकिन GDP डिफ्लेटर के अंदर जो आपकी इंपोर्टेड गुड्स होती हैं उसका इफेक्ट शो नहीं होता, क्योंकि GDP हम बात कर रहे थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, यानी कि वो चीज़ें जो आपने विदिन द कंट्री प्रोड्यूस की हैं, इसलिए GDP डिफ्लेटर के अंदर जो इंपोर्टेड गुड्स होती हैं उसका जो इफेक्ट होता है वो GDP डिफ्लेटर के अंदर शो नहीं हो रहा था। फिर बात आती है द बास्केट ऑफ गुड्स की, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि CPI के अंदर जो बास्केट ऑफ गुड्स होती है वो फिक्स होती है, उसमें चीज़ें चेंज नहीं होती। जो एक उसका बास्केट एक गुड्स बनाई गई है उसमें हर साल वही चीज़ें शामिल होती हैं, जबकि GDP डिफ्लेटर के अंदर हर साल नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं।
ये डिफरेंस है बेसिकली तीन बेसिस के ऊपर हम डिफरेंस करते हैं सीपीआई में और जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर। के पहला डिफरेंस क्या है कि प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स, प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स के अंदर हमने क्या देखा कि जी जो कंज्यूमर सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, चूंकि वो सिर्फ एक कंज्यूमर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, कंज्यूमर से रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर कैपिटल गुड्स की जो प्राइस होती है वो अफेक्ट नहीं कर रही होती। और दूसरा डिफरेंस है प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कंज्यूमर गुड्स, के सीपीआई के अंदर कंज्यूमर गुड्स चाहे वो आपकी डोमेस्टिक प्रोड्यूस थी या वो फॉरेन से आई हुई थी तो उनका इफेक्ट शो होता है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर इम्पोर्टेड गुड्स को जो इफेक्ट है वो शो नहीं होता। थर्ड है कि द बास्केट ऑफ गुड्स, सीपीआई के अंदर जो बास्केट ऑफ गुड्स होती है वो सेम रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर जो बास्केट ऑफ गुड्स होती है वो चेंज होती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो गया कैटेगरीज ऑफ द पॉपुलेशन, कि एक कंट्री के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है वो सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई होती है। एक तो हम उसको एज के हवाले से भी डिवाइड करते हैं, फिर हम उसको जेंडर के हवाले से भी करते हैं, और जो एक थर्ड होता है वो हम करते हैं कि कितने आपकी कंट्री के लोग ऐसे हैं कि जो एम्प्लॉयड हैं और कितने ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। तो हम वन बाय वन इनकी डेफिनेशन को देखेंगे, और फिर इसके बाद अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी जाएँ तो उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देखते हुए हम कैसे इन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय एम्प्लॉयड। अगर हम कहते हैं कि एक बंदा एम्प्लॉयड है तो क्या है, एम्प्लॉयड से मना दिया कि एक बंदा कोई काम कर रहा है और उसके काम करने के बदले में उसको पैसे दिए जा रहे हैं, तो तब हम कहते हैं कि वो बंदा एम्प्लॉयड है। अगर एक बंदा काम कर रहा है और उसके रिटर्न में उसे पैसे नहीं मिल रहे तो हम ये नहीं कहते कि वो एम्प्लॉयड है। जैसे कि हमारे घरों में जो खवातीन है वो घर के काम कर रही होती हैं, तो चूँकि अपना काम कर रही होती हैं और उसके एवज उनको कोई पैसे या सैलरी नहीं दी जा रही होती तो हम ये नहीं कहते कि वो एम्प्लॉयड है। तो इसी तरह अगर हम लोगों ने कोई एक मेट घर में रखी हुई है जिसको हम काम करा रहे हैं और उसे हम पैसे दे रहे हैं तो फिर हम कहेंगे कि वो एम्प्लॉयड है। तो अगर कोई भी ऐसा काम जो आप बगैर पैसों के करते हैं तो वो आपके एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आता। जो सेकंड एक पार्ट होता है हमारी पॉपुलेशन का, वो लोग होते हैं जो काम नहीं कर रहे होते, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड हर बंदा भी नहीं होता, एक ऐसा बंदा जो जॉब की तलाश ही नहीं कर रहा और उसे काम नहीं मिला तो हम ये नहीं कहते कि वह अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड में वो लोग शामिल होते हैं जो काम नहीं, जिनको काम नहीं मिला होता लेकिन वो काम ढूंढ रहे होते हैं। तो वो लोग जिनको काम नहीं मिला हुआ और वो काम को ढूंढ रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। फिर नेक्स्ट है कि लेबर फोर्स, कि आपके कंट्री के अंदर जो लेबर फोर्स है उसकी डेफिनेशन क्या है। लेबर फोर्स बेसिकली क्या चीज़ होती है, द अमाउंट ऑफ लेबर अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड एंड सर्विसेज ऑल एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, कि आपके कंट्री के अंदर वो तमाम लोग जो काम कर रहे हैं प्लस जो काम नहीं कर रहे लेकिन वो विलिंग है काम करने के लिए। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड को अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास टोटल जो आपकी कंट्री की लेबर फोर्स है वो आ जाती है। लास्ट जो पार्ट है वो है नॉट इन द लेबर फोर्स, कि कौन से ऐसे लोग हैं जो लेबर फोर्स में नहीं आएंगे। नॉट एम्प्लॉयड, नॉट लुकिंग फॉर वर्क, एक ऐसा बंदा है कि जिसको काम भी नहीं मिला हुआ और जो काम ढूंढ भी नहीं रहा, तो वो आपके लेबर फोर्स का हिस्सा भी नहीं होगा और ना वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में और लेबर फोर्स की कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो अनएम्प्लॉयड हो और काम ढूंढ रहे हों, या ऐसे लोग हों जो काम कर रहे हों और उन्हें उसके बस पैसे दिए जा रहे होंगे, तो वो लोग आपके एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब आपकी टोटल लेबर फोर्स का वो परसेंटेज जो अनएम्प्लॉयड है उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि जो हमारी टोटल आपके कंट्री के अंदर लेबर फोर्स है उस लेबर में से, लेबर फोर्स में से कितना पोर्शन, कितनी परसेंटेज, कितने फीसद ऐसे लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिली हुई, उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन दैट पार्टिसिपेट इन दी लेबर फोर्स, के हर साल उसमें कितना ऐड होता चला जा रहा है आपकी जो लेबर फोर्स है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर मैं जैसे पहले भी जिक्र किया कि अगर आपको चंद न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाए एम्प्लॉयड की, अनएम्प्लॉयड की या टोटल लेबर फोर्स की, तो उसमें से आप लोगों ने कुछ चीज़ें अगर फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूएस इकानमी के अंदर से है। उन्होंने हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन बताए कि 144.4 मिलियन है, और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड बताया कि जितने लोग बेरोजगार हैं वो है 7.0 मिलियन,
और आपकी कंट्री के अंदर जो अडल्ट पॉपुलेशन है, यानी कि जो लोग काम करने के काबिल हैं, वो है 228.8 मिलियन। अब ये इन्फॉर्मेशन दे के हमसे पूछा गया है कि इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप लोग लेबर फोर्स को कैलकुलेट करें, द नंबर ऑफ पीपल नॉट इन द लेबर फोर्स उसको यूज कैलकुलेट करें, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को कैलकुलेट करें, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये चारों चीज़ें आप लोगों ने फाइंड करनी है इस डाटे को यूज़ करते हुए। हम वन बाय वन इन तमाम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना था लेबर फोर्स। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लेबर फोर्स क्या है, कि आपकी कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयड पर्सन है और जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, अगर आप उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपके पास आपकी कंट्री की टोटल लेबर फोर्स आ जाएगी। तो चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एम्प्लॉयड पर्सन भी बताए गए थे और अनएम्प्लॉयड पर्सन भी बताए गए थे, तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल लेबर फोर्स आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे किया गया, यहाँ एल से मुराद लेबर फोर्स है, ई से मुराद एम्प्लॉयड पर्सन है, यू से मुराद अनएम्प्लॉयड पर्सन है। तो हमने जब एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पर्सन को ऐड किया तो ये हमारे पास टोटल लेबर फोर्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया था कि द नंबर ऑफ पीपल नॉट इन दी लेबर फोर्स। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में से हम लेबर फोर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो लोग आ जाएंगे जो हमारी लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है। तो जो टोटल हमें पॉपुलेशन बताई गई थी अडल्ट की, वो कितनी थी, 228.8। तो 228 पॉइंट में से हम लोगों ने जो लेबर फोर्स फाइंड की थी, ये वो लोग हैं जो काम लेबर फोर्स के अंदर आते हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन में से लेबर फोर्स वाला पोर्शन निकाल दें तो पीछे वही लोग रह जाएंगे जो कि लेबर फोर्स के अंदर नहीं आते। थर्ड वन था कैलकुलेट दी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सॉरी फोर्थ वन अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करें। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई टोटल लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड कितने हैं, 7.0 मिलियन, यहाँ पर ये आप देखेंगे ये 7 आ गया, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, तो आपकी टोटल लेबर फोर्स कितनी है, 151.4। इसको इसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि आपके कंट्री के अंदर जो टोटल लेबर फोर्स है उसको डिवाइड कर दें जो टोटल पॉपुलेशन है, ये टोटल लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय अडल्ट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। तो ये चंद छोटी सी न्यूमेरिकल वैल्यूज थी जिनकी बेस पे आप लोगों ने अगर कैलकुलेशन करनी हो, आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग ये कैसे करेंगे। इस चैप्टर के लास्ट में आता है कि चैप्टर की समरी है कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने टोटल क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले है कि GDP क्या चीज़ होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या, द इनकम टोटल, एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमने किया था, इसको इनकम मेथड से भी किया था कि किसी भी कंट्री ने एक साल के अंदर अपने तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जितनी इनकम अर्न की है वो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और नॉमिनल GDP क्या था कि नॉमिनल GDP ये है कि जो आपकी करंट प्राइसेस के ऊपर मेजर की जाती है उसको नॉमिनल GDP बोलते हैं। और रियल GDP क्या है, जो आप किसी प्रीवियस ईयर यानी कि बेस ईयर की प्राइसेस के ऊपर जो आप मेजर कर रहे होते हैं उसको हम रियल GDP भी बोलते हैं। और फिर ये GDP, उसके हमने चार कंपोनेंट्स पढ़े थे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट, ये उसके चार कंपोनेंट्स हैं। इन चारों को ऐड कर दिया जाए तो आपके पास GDP आ जाती है। फिर हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर CPI को डिस्कस किया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, यानी कि क्या होता है कि इसके अंदर फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स होती है। फिर हम लोगों ने GDP डिफ्लेटर देखा, GDP डिफ्लेटर का फार्मूला हमने देखा था, नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP, हमने उसकी डिटेल के अंदर कैलकुलेशन भी की थी। और फिर इस चैप्टर के लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे कंट्री के अंदर टोटल पॉपुलेशन है वो सब पार्ट्स में डिवाइड होती है, कुछ लेबर फोर्स का हिस्सा होते हैं, कुछ लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं है, कुछ लोग एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ अनएम्प्लॉयड होते हैं, एम्प्लॉयड के अंदर क्या आते हैं, अनएम्प्लॉयड के अंदर क्या आते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पर यही आके ये आपका चैप्टर कम्प्लीट हो जाता है। अगर इस चैप्टर के हवाले से जो इस लेक्चर के अंदर मैंने बताया आपके जहन में किसी भी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर ये जो लिंक दिया जाएगा YouTube का, उसके लिंक में जाके कमेंट्स में जाके आप डिस्कस कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। आपका किसी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं।